दिल्ली को ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। आज पहले दिन 37 किलोमीटर का सफर तय करेगी दिल्ली मेट्रो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का छलका दर्द, बोले किसी को भी बना दो मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के बीजेपी की सहयोगी पार्टी में शामिल होने से नाराज है नीतीश कुमार। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख नरवाने, आपसी हित और रक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा करेंगे नरवाने और दक्षिण कोरिया के सैन्य प्रमुख। भारत में कोरोना के 18,732 नए मामले, 6 महीने में सबसे कम हो रहा देश में कोरोना का प्रकोप। कई विशेषज्ञों की राय, कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही देश हो जाएगा कोरोना मुक्त। ग्रामीण भारत के लोगों को नहीं होगी वैक्सीन की जरूरत। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस, स्थापना दिवस से पहले ही राहुल गांधी गए विदेश, बीजेपी ने उठाया सवाल। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, निजी यात्रा पर विदेश गए हैं राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर जाति लिखवाना पड़ सकता है भारी, एक्शन की तैयारी में योगी सरकार। जब्त हो सकती हैं गाड़ियां, लगेगा भारी जुर्माना। उत्तर प्रदेश में जातिवाद खत्म करने की तरफ अहम कदम। ईरान की राजधानी के निकट हिमस्खलन, 12 लोगों की मौत। इलाके में तेज हवाएं चलने और बर्फबारी से एक दिन में 4 अलग अलग जगहों पर हिमस्खलन। जापान ने विदेश से आने वाले नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध, कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए सरकार का निर्णय, सिर्फ विदेशी नागरिकों पर लागू होगा सरकार का यह निर्णय, जापानी लोगों को देश में प्रवेश की मिलेगी अनुमति। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई से अपील, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करे सार्वजनिक। बताएं, सुशांत की मौत हत्या थी आत्महत्या, 5 महीनों से चल रही है सुशांत केस की सीबीआई जांच। आप सभी को बताएं कि सुशांत सिंह की जो हत्या हुई थी उसका पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन अभी 5-6 महीना हो गया है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने सुशांत सिंह ने सही मायने में आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी इसके बारे में उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि लोगों को ऐसे होम मिस्टर मुझे हमेशा पूछते रहते कि क्या सीबीआई की रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ, हत्या है कि आत्महत्या है। तो मेरी गुजारिश है सीबीआई को कि जल्द से जल्द उन्होंने सुशांत सिंह के केस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जनता के सामने रखना चाहिए। मुंबई के नेरूर में साधु संतों ने किया राम मंदिर निधि संकलन कार्यालय का उद्घाटन। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक देश भर में चलाया जाएगा राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।